हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.2 के सॉल्यूशन। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ चुके हैं, वैसे आप इस एक्सरसाइज को बिना इसका इंट्रोडक्शन पढ़े भी कर सकते हैं क्योंकि ये वही 10th का ही पार्ट है जो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 10th में पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसमें यूज हो रहे हैं। क्लियर? तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 से लेकर 2001 तक के जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उन सबका हमको सम पता करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में ये कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको इन बिटवीन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है? तो बिटवीन का मतलब क्या होता है, इन दोनों नंबर के बीच में, उसमें ये वाले कॉर्नर वाले नंबर इंक्लूड नहीं होते। लेकिन यहां पर दिया हुआ है फ्रॉम 1 to 2001, यानी कि 1 भी इंक्लूडेड है और 2001 भी इंक्लूडेड है, ठीक है? अगर बिटवीन दिया हुआ होता तो 1 और 2001 इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है? तो इन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो हमको बेसिकली पता क्या करना है, हमको पता करना है 1 + 3 + 5 + up to 2001, इन सारे ऑड इंटीजर्स का सम हमको पता करना है, ठीक है? तो देखिए, ये क्या है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है? ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें A1 जो है, ठीक है, A1 को हम AB लिखते हैं और A1 भी लिखते हैं, क्लियर? तो A1 जो है वो तो हमको दिया हुआ है 1, और कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस है इसमें 3 - 1 = 2, ठीक? तो फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास है, हमको क्या पता करना है, सम पता करना है, ठीक है? तो सम का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, जब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पर n की भी जरूरत पड़ेगी कि ये नंबर टोटल कितने हैं, तो हमको n भी पता करना है। तो n पता कैसे करेंगे, देखिए ये जो 2001 है ये क्या है, इसकी nth टर्म है, ठीक है? लास्ट टर्म को हम nth टर्म बोल सकते हैं, तो हमको nth टर्म भी दी हुई है 2001, और इसका यूज हम किस में करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करने में करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमको n किस में चाहिए, सम ऑफ n टर्म के फॉर्मूले में चाहिए, क्लियर? तो देखिए n क्या होता है, n होता है a1 + n - 1 d, ये होता है। अब देखिए an भी है हमारे पास, a1 भी है, d भी है, तो यहां से n आ जाएगा। तो पहले आप n निकाल लीजिए, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2001 = a1 + n - 1 × d, d की वैल्यू दी हुई है 2, ठीक? ये इधर गया तो कितना हो जाएगा, 2000 = n - 1 × 2, 2 से कटेगा 1000 टाइम, और 1000 + 1 कितना हो जाएगा, 1001, तो यहां से n की वैल्यू आ गई 1001, यानी कि ये टोटल टर्म्स कितनी है, ये टर्म्स हैं 1001। अब हमको क्या पता करना है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है? यानी कि हमको सम ऑफ 1001 पता करना है, सम ऑफ 1001 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a1 + n - 1 × d, ये होता है, और हमको पता करना है s 1001, तो ये हो जाएगा 1001/2 × 2 × a1, a1 है हमारे पास 1 + n - 1, यानी कि 1001 - 1 × d, d है हमारे पास 2, कितना हो जाएगा ये देख लीजिए, 1001/2 × ये कितना हो गया 2, ठीक? 1001 है, ठीक है? 2 + ये हो जाएगा 2000, तो देखिए ये हो गया 2002 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1001 × 1001, ये हमको पता करना है, ठीक है? अब देखिए इसको पता करने की मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ऐसा नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों के जैसे जो हमने सेकंड थर्ड में पढ़ा था, वो नहीं करना है, यहां पर स्मार्टली चलना है हमको। कैसे, देखिए इसको लिखिए आप 1001 × 1000 + 1, इस तरीके से लिख दीजिए। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 1001 + 3 0 + ये हो जाएगा 1001। अब इसको आप ऐड कर सकते हैं आराम से, तो ये हो जाएगा 1002001, ठीक है? ये होती है स्मार्ट अप्रोच, क्लियर? चलिए ये हो गया, उसके बाद अब क्या पता करना है हमको, नहीं बस हो गया, ये तो पता करना था हमको, ठीक? तो ये हो गया, और इसी को हम एक और फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। देखिए एसएन का फॉर्मूला एक और होता है, n/2 × a1 + n, फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म, ठीक है? बेसिकली यही है भाई, फर्स्ट टर्म a1
और एन का फॉर्मूला जब आप ये लिखोगे ए वन प्लस एन माइनस वन डी, तो क्या हो जाएगा, ए वन प्लस दिस ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो बात एक ही है वो, क्लियर। तो आप इससे भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमको दी हुई है वन और लास्ट टर्म हमको दी हुई है 2001। यस, तो हम देखिए बिना एन निकाले, नहीं एन तो निकालना ही पड़ेगा हमको, एन तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमको दिया हुआ है, फाइंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए यहां पर वर्ड यूज हो रहा है बिटवीन, यानी कि अब 100 और 1000 इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच के नंबर का सम पता करना है, वो नंबर जो 5 के मल्टीपल हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए भाई ऊपर वाला क्वेश्चन ही है सेम, बस आप एक बार सीक्वेंस लिख लीजिए कि किस सीक्वेंस में है ये। ठीक है, सीक्वेंस तो भाई एपी में ही है, मतलब कौन कौन से नंबर है, तो 100 तो इंक्लूडेड नहीं है, 100 के बाद कौन सा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है, वो है 105। ठीक, उसके बाद क्या आता है 110, फिर 115, और ऐसे करते करते कहां तक चलेगा, 1000 तक, नहीं 1000 इंक्लूडेड नहीं है, इसके और इसके बीच में पता करना है, तो इससे पहले वाला नंबर कौन सा है, 995, तो ये हमको पता करना है। ठीक, तो ये एक एपी है, इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी की फर्स्ट टर्म जो है, ठीक है यहां पर लिख दो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ठीक, और इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है इसकी 105। ओके, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस है 110 माइनस 105 इज इक्वल टू 5। ठीक, अब हमको सम पता करना है, तो सम ऑफ एन टर्म का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको एन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पड़ी थी, तो हमको एन कैसे पता चलेगा, एन हमको पता चलेगा इससे, ये क्या है, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब एनथ टर्म। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स एन है यहां पर तो ये एनथ टर्म है। ठीक, तो एन हमको दिया हुआ है 995, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, एन होता है हमारे पास ए वन प्लस एन माइनस वन डी, क्लियर, लिख दीजिए यहां पर, ये क्या हो जाएगा, एन दिया हुआ है हमको 995 इज इक्वल टू ए वन यानी कि 105 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी, और डी हमको दिया हुआ है 5। ठीक, कर लीजिए सॉल्व, 995 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 990 और 1 जाएगा तो 890। ठीक, ये बचा 890 और 890 बाय 5 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा n माइनस 1, इसमें इसको माइनस किया उसके बाद 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से जाएगा 1 उसके बाद 7 और उसके बाद 8। ठीक, 178 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 179, एन की वैल्यू आई है हमारे पास 179। बस अब सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए अब मैं उस वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाले से। ठीक है, किसी से भी आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एन बाई टू इंटू ए वन प्लस एन। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने दूसरे फॉर्मूले से किया, ये वाला क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए एन की वैल्यू क्या आई है, एन की वैल्यू आई है हमारे पास 179, तो 179 बाई टू इंटू ए वन, ए वन था हमारे पास 105 प्लस एन, एन था हमारे पास 995, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 179 इंटू, देखिए अब 105 प्लस 995 ये हो जाएगा 1100। ठीक, 1100 बाई टू ये हो जाएगा 550, तो ये हो गया यहाँ पर 550, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब देखिए अब क्या इसको भी वही बच्चों जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 179 का 550 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं यहाँ पर भी स्मार्टली खेलो, देखो आपको वैल्यू ऐसी दी जाएगी कि आप बिल्कुल स्मार्टली खेल सकते हो, यहाँ पर 179 से मल्टीप्लाई मत करो, आप इसको लिखो आप 180 माइनस वन इंटू 550, अब ये मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आपको मतलब रफ वर्क करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखिए 18 का करो 55 से और बाद में 2 जीरो लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2 जीरो तो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, उसके बाद 18 इंटू 5 हो गया 90 का जीरो ऊपर गया एन सॉरी 9, उसके बाद 18 इंटू 5 फिर से 90 और 90 प्लस 9 हो गया 99। ठीक, ये हो गया, उसके बाद माइनस माइनस क्या करना है 515 टू 1, ये हो गया 550। ठीक, बस ये तो करना है, तो इसमें से अगर 550 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास 99 और 450।
तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर। इस तरीके से अगर करेंगे तो, अगर ये नहीं लगाएंगे और ये करेंगे तो फिर पन्ने पलटो, रफ वर्क में मल्टीप्लाई करते रहो, और वहां पर भी अगर कोई सिली मिस्टेक हो गई तो गए काम से फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना आना चाहिए कि क्या यहाँ पर कोई ट्रिक लग सकती है क्या। ओके चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज टू एंड द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट फाइव टर्म्स, शो दैट 20th टर्म इज जीरो। हमको 20th टर्म को जीरो शो करना है। तो देखिए, अगर हम इसको देखें, हमको क्या पता करना है, A20, ठीक है। तो अगर A20 हमको पता करना है तो ऑब्वियसली बात, हम फॉर्मूला लगाएंगे A+20-1 × D, ठीक, यही करेंगे हम। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ना तो हमको A पता है, सॉरी A तो पता है, A तो हमको पता है, 2 दिया हुआ है, हमको D नहीं पता। तो अब इस डी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस डी को निकालने के लिए हमको इस कंडीशन की मदद यहां पर लेनी है, ठीक। क्या दिया हुआ है ये पढ़िए ध्यान से, द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट फाइव टर्म। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले मैं लिखता हूं इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली, उसके बाद समझाता हूं कि वो कैसे आया। इसका मतलब ये है, हमको ये दिया हुआ है S5 = 1/4 F10 - S5। ये कैसे लिखा मैंने, देखिए क्या लिखा है इसने, द सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म। सम ऑफ द फर्स्ट फाइव टर्म मतलब क्या हुआ, S5। S5 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म। और क्या है ये, A1 + A2 + A3 + A4 + A5, यही है S5 का मतलब, ठीक है। ये किसके इक्वल है, इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट फाइव टर्म। नेक्स्ट फाइव टर्म कौन सी, अब नेक्स्ट फाइव टर्म है A6 + A7 + A8 + A9 + A10, ठीक है। तो ये जो है सम ऑफ फाइव टर्म्स जो है वो इसका 1/4 है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या इसको F10 लिखेंगे, नहीं। अगर F10 लिखा तो F10 का मतलब क्या हो गया, A1 से लेकर A10 तक का सम, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए आप लिखो F10 - S5। F10 मतलब ये सारी और S5 मतलब ये, तो इन सारी में से जब ये चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट फाइव टर्म, और इसी का 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका सम हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, F10 - S5, और इसका 1/4 किसके इक्वल है, S5 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने मैथमेटिकली इसको लिख लिया, क्लियर। अब देखिए बस, अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 4 × S5 = F10 - S5, ये हो गया। और यहां से क्या आएगा, इस S5 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 5S5, ठीक है। ये 5 है और ये S है, 5S5 = F10, ये हो गया। अब देखिए यहां पर अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो यहां पर S5 और F10 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 × S5 के लिए हम लिखेंगे, S5 के लिए देखिए हम लिखेंगे क्या, 5/2 × 2A + N - 1 × D, ये लिख सकते हैं, F10 के लिए हम लिख सकते हैं 10/2 × 2A + N - 1 × D, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखिए मैंने यहां पर पहले फॉर्मूला नहीं लिखा है, आपको एग्जाम में पहले फॉर्मूला भी शो करना है, उसके बाद उसको यूज करना है, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 तो यहां पर गया, सॉरी 5 नहीं गया, 2 से 2 तो गया, क्लियर। अब A की वैल्यू भी हमको दी हुई है 2, रख दो, और N की वैल्यू, सॉरी हमने यहाँ पर F10 और S5 जो लिखा है, तो यहाँ पर N की जगह 10 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए अब ये हो गया 25, और अंदर हो जाएगा 2 × 2 = 4, प्लस यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4D, ठीक, इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा A2 था तो ये हो जाएगा 4, प्लस N - 1, यहाँ पर N था 10, ठीक है, तो 10 - 1 = 9, 9D हो जाएगा, ठीक। तो यहां से अब आराम से D की वैल्यू निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा, देखिए 100 + 100D = 40 + 90D, क्लियर। अब कितना हो जाएगा, ये हो गया 10D = 40 - 100, 40 - 100 यानी कि -60, ये हो गया। तो यहां से D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू यहां से आई है हमारे पास -6, और अगर D की वैल्यू आ गई उसको उठाकर यहां पर रख दो तो आपका A20 आ जाएगा, और A20 जीरो आना चाहिए क्योंकि हमको शो करना है वही, ठीक है। तो A20 क्या होगा, अब A20 हो जाएगा हमारा 2 + 20 - 1 × D, D की वैल्यू है -6, सॉरी ये जीरो नहीं, एक्चुअली ये -112 है,
ये माइनस 112 है, ठीक है। तो देखिए 820 माइनस 112 आना चाहिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखिए 2 प्लस 20 माइनस 119, 19 इंटू 6 होता है 114, तो ये आ जाएगा माइनस 114 और ओवरऑल ये आ जाएगा माइनस 112, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, आसानी क्वेश्चन था, बस आपको ये चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है, इस लाइन को मैथमेटिकली आपको इस तरीके से लिखना है, क्लियर। और ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है किस तरीके से ये आया है, ओके। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी माइनस 6 माइनस 11 बाई 2 माइनस 5 आर नीडेड टू गिव द सम माइनस 25। इस तरह का क्वेश्चन 10th की बुक में भी है, ये आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। देखिए कैसे करेंगे इसको, हमको एक एपी दी हुई है, एपी है माइनस 6 माइनस 11 बाई 2 माइनस 5, ठीक है, और ये इस तरह से चलते जा रही है, क्लियर। और हमको क्या पूछा है कि इस एपी में कितनी टर्म हो कि उनका सम माइनस 25 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सम दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो हमको n पता करना है यहाँ पर, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स यानी कि n की वैल्यू पता करनी है। तो कैसे करेंगे, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हमको सम ऑफ n टर्म कितना करना है, माइनस 25, ठीक है। तो sn कितना, माइनस 25, ओके। तो ये तो ap दी हुई है और sn हमको दिया हुआ है माइनस 25, ओके। फर्स्ट टर्म a1 हमको दिया हुआ है माइनस 6 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 11 बाई 2 माइनस ऑफ माइनस 6, तो ये हो जाएगा देखिए माइनस 11 बाई 2 प्लस 6 और ये हो जाएगा 1 बाई 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1 बाई 2, फर्स्ट टर्म हो गया माइनस 6 और सम ऑफ एन टर्म माइनस 25। तो सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म होता है एन बाई 2 इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। sn दिया हुआ है माइनस 25 इज इक्वल टू एन बाय 2, एन पता करना है हमको, 2 इंटू a1 कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमको दी हुई है 1 बाय 2, ये हो गया। बस अब सोल्व कर लीजिए, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं, इसको देखिएगा ध्यान से, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया माइनस 50 इज इक्वल टू एन अंदर गया तो क्या बनेगा माइनस 12n, ठीक है, प्लस यहां से n अंदर गया तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू 1 बाय 2, ठीक। फिर से आप एलसीएम ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 24n प्लस ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, क्लियर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए और ऐड करने पर 25, यानी कि 20 और 5 हम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। n आया कॉमन n माइनस 20, यहाँ पर माइनस 5 आया कॉमन n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया n माइनस 20 इंटू एन माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए n की दो वैल्यू निकल कर आई है, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या है कि इस AP की 5 टर्म का सम भी माइनस 25 है और इस AP की 20 टर्म्स का सम भी माइनस 25 है, ये कैसे हो सकता है, यस हो सकता है भाई। इसमें क्या हो रहा है, 5 टर्म का सम माइनस 25 है, ठीक है, और फिर 20 टर्म का सम भी इतना ही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आगे की जो 15 टर्म है उनका सम 0 है, ठीक है, आगे की जो 15 टर्म है उनका सम 0। देखिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन की ब्यूटी, देखिए ये जो एपी है इसकी 20 टर्म आप लिखिए, इसकी 20 टर्म हम लिखेंगे, देखिए क्या आएगी, ये एपी आएगी हमारे पास, देखिए माइनस 6 से स्टार्ट है, माइनस 6 उसके बाद आएगा माइनस 11 बाई 2, फिर आएगा माइनस 5, ठीक है, 1 बाय 2 ऐड करते जाइए इसमें, उसके बाद आएगा माइनस 9 बाय 2, ठीक, उसके बाद आएगा माइनस 4, फिर माइनस 7 बाय 2, फिर माइनस 3, फिर माइनस 5 बाय 2, फिर माइनस 2, उसके बाद माइनस 3 बाय 2, फिर माइनस 1, फिर माइनस 1 बाय 2, फिर आया 0, उसके बाद 1 बाय 2, फिर 1, फिर 3 बाय 2, उसके बाद आया हमारे पास 2, ठीक है, उसके बाद आया 3 बाय 2। अब देख लीजिए कितनी टर्म हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, दो लिख दीजिए, इसके बाद आएगा 2 और उसके बाद आएगा 5 बाय 2, ठीक।
ये हो गया। अब देखिए 20 हुई है नहीं हुई है, हो गई, अरे ये डबल लिख दी मैंने, 3/2, 2, उसके बाद आएगा 5/2, ठीक, 5/2 के बाद आएगा 3 और उसके बाद आएगा 7/2, ठीक, ये 20 टर्म हो गई इस एपी की, क्लियर। अब देखिए इसके जो 5 टर्म है इनका सम कीजिए, ये कितना होगा देखिए, -6, -4, -10, -10 और -5, -15, -15 तो ये हो गया, और देखिए -11/2, -9/2 ये हो जाएगा -20/2, यानी कि -10, -15 और -10 कितना हो गया -25। तो ये 5 टर्म का सम कितना आ गया हमारे पास, 5 टर्म का सम कितना आ गया इस एपी का, -25। अब जब 20 टर्म का सम करेंगे तो वो भी -25 ही आएगा, क्यों, क्योंकि अब जो आगे की ये टर्म है 15 टर्म, इनका सम 0 है। देखिए -7/2, ये 7/2, 0, -3, 3, 0, -5/2, 5/2, 0, -2, 2, 0, -3/2, 3/2, 0, -1, 1, 0 और -1/2, 1/2, क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन टर्म का सम कितना है, 0 है, इसीलिए S5=F20 आ रहा है, ठीक है, S5 भी -25 है और S20 भी -25 है, क्लियर। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए कि कोई वैल्यू आ रही है तो क्यों आ रही है। और एक और खास बात, जब भी इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बने, ठीक है, और अगर आपको n की वैल्यू पता करनी है तो n की हम सिर्फ नेचुरल वैल्यू ही एक्सेप्ट करते हैं, अगर यहाँ पर n की कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती तो उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि n क्या होता है, यहाँ पर नेचुरल नंबर ही होता है। भाई अब n क्या है, n क्या है, n किसी टर्म की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, तो पोजीशन क्या होगी, नेचुरल पोजीशन ही तो होगी। भाई हम ऐसा बोलेंगे क्या कि -3 टर्म का सम पता कीजिए, -5 टर्म का सम पता कीजिए, या 1/2 टर्म का सम पता कीजिए, नहीं बोल सकते ऐसे। भाई जो नेचुरली पोजीशन डिसाइड होगी, ठीक है, उसी का हम सम पता कर सकते हैं कि 3 टर्म का सम पता कीजिए, 4 टर्म का सम पता कीजिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर n की नेचुरल वैल्यू ही एक्सेप्ट करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, S5=F20 है और इसकी वैल्यू है -25, तो आंसर होगा 5 और 20, क्लियर। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया हुआ है, इन एन एपी इफ पीएथ टर्म इज 1/Q एंड क्यूएथ टर्म इज 1/P, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स इज 1/2 × PQ+1, वेयर P इज नॉट इक्वल टू Q। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जनरल फॉर्म में हमको करना है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको नहीं दी हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस आपको करनी है। देखिए कैसे होगा ये, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, सेम मतलब फिक्स प्रोसीजर है, ठीक है, वही आपको फॉलो करना है। तो जो भी हमको दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं, हमको दिया हुआ है पीएथ टर्म इज 1/Q, ठीक, तो पीएथ टर्म 1/Q दी हुई है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, एपी इज इक्वल टू 1/Q, पीएथ टर्म इज 1/Q, ठीक, और क्यूएथ टर्म यानी कि AQ वो हमको दी हुई है 1/P, और हमको शो करना है क्या, हमको शो करना है टू शो, क्या शो करना है हमको, सम ऑफ PQ टर्म इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 × PQ+1, ये हमको प्रूव करना है, ठीक, और P इज नॉट इक्वल टू Q है, क्लियर। अब देखिए जो जो दिया हुआ है बस वैसे फॉर्मूले से ओपन करते जाओ, ठीक, ये एपी है, तो अगर इसकी फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी A एंड D, ये इस तरीके से आपको जो वेरिएबल है ये भी डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से बोर्ड में हम इस तरीके से आंसर लिखते हैं, क्लियर। चलिए तो लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी A एंड D, तो एपी क्या हो जाएगा हमारे पास, देन एपी इज इक्वल टू हो जाएगा A+P-1 × D, ये हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूले से, ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम ए भी लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए तो ये कितना दिया हुआ है हमको, 1/Q, ये हो गया, ये बनी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद AQ के लिए क्या लिखेंगे, AQ हो जाएगा हमारे पास A+Q-1 × D, ठीक। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने एन का फॉर्मूला पढ़ा है, A+N-1D, यहाँ पर एन की जगह क्या है, पी है, और यहाँ पर क्यू है, तो एन की जगह हमने क्या कर दिया, पी और क्यू कर दिया, ठीक, ये किसके इक्वल है, 1/P के इक्वल, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, क्लियर हुआ। अब देखिए अब क्या करेंगे, भाई देखिए अप्रोच क्या है हमारी, हमको ये शो करना है, ये शो करना है मतलब हमको यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है। जब सम ऑफ एन टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको ए और डी की जरूरत पड़ेगी, और ए और डी हमको दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ए और डी हमको दिया हुआ नहीं है, और उस ए और डी को निकालने के लिए हमको ये दिया हुआ है, ठीक। तो ये दो इक्वेशन है,
इन दो इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ए और डी निकालेंगे। तो हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, तो हम 1-2 कर सकते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट 2 from 1, आप चाहो उस तरीके से कर सकते हो इसको। ठीक है, मैं एलिमिनेशन यहाँ पर लगा रहा हूँ, हमने 10th में पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, सब्सट्रैक्ट 2 from 1, तो क्या होगा हमारे पास, देखिए सब्सट्रैक्ट करेंगे हम 2 को 1 में से, तो ए में से ये गया 0, उसके बाद इसमें से ये जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए P-1 × D - Q-1 × D इज इक्वल टू 1/Q - 1/P, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर D कॉमन है, D को तो कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, P-1 - Q + 1 और D आ जाएगा। ठीक, D को कॉमन लिया और यहाँ पर इसको माइनस कर दिया, तो ये क्या होगा, देखिए 1 से 1 गया, यहाँ पर बच जाएगा P-Q × D, तो ये हो गया P-Q × D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा PQ और ऊपर क्या आ जाएगा, Q से Q गया P-Q, तो ये किसके इक्वल आ गया यहाँ पर, P-Q/PQ के। ठीक, ये हो गया। तब देखिए P-Q से P-Q कट जाएगा। अब यहाँ पर एक खास बात, ये यहाँ पर दिया हुआ है P इज नॉट इक्वल टू Q, जब ये दिया हुआ है तभी हम ये कर सकते हैं, अगर ये दिया हुआ है कि P इज नॉट इक्वल टू Q तभी हम इसको काट सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं काट सकते। ठीक है, ये आप लिमिट में पढ़ते हैं, मतलब डिटेल में, शायद NCERT में तो नहीं है, इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन जब आप IIT की प्रिपरेशन करते हो, कॉम्पिटिशन लेवल की प्रिपरेशन करते हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें समझाई जाती है, आप किसी भी मतलब वेरिएबल को, सेम वेरिएबल को ऐसे कट नहीं कर सकते जब तक कि आप ये श्योर ना हो जाओ कि वो वेरिएबल जीरो नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जीरो, जीरो इंटू डी और यहाँ पर जीरो इंटू सपोज एम, तो आप जीरो को इस तरीके से कट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि भाई कट कब कर सकते हैं हम, जब दोनों चीज़ें इक्वल हों, दोनों चीजें इक्वल हो मतलब उनका डिवाइड वन आना चाहिए, लेकिन 0/0 1 नहीं होता है। ठीक, 0/0 1 नहीं होता है, 0/0 0 भी नहीं होता है, और 0/0 इनफाइनाइट भी नहीं होता है। ठीक, क्योंकि देखिए हमने क्या पढ़ा है कि 0 अगर न्यूमरेटर में है तो आंसर 0 आना चाहिए। भाई आप 0 के नीचे कोई भी नंबर लगा दो, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी रियल नंबर, 0 को छोड़ के कुछ भी लगाओगे तो यहाँ पर 0 आएगा, लेकिन जब हम 0 लगाते हैं तो ये 0 क्या बोलेगा कि मेरे को इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इनफाइनाइट होना चाहिए, ये 0 बोलेगा कि मुझे तो 0 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये बोलेगा कि हम तो सेम है तो हमको 1 होना चाहिए, तो ये ना तो 1 होता है, ना ही 0 होता है, और ना ही इनफाइनाइट होता है, ये होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, और ये हम लिमिट में पढ़ते हैं, इनकी लिमिट निकालना हम सीखते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से भाई यहाँ पर इसको काट देना मतलब इसको 1 के इक्वल डिफाइन करना हो गया। ठीक है, तो हम इसको काट नहीं सकते, तो यहाँ पर P Q के इक्वल नहीं है, अगर P Q के इक्वल हो गया तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और 0 से 0 हम काट नहीं सकते। ठीक, नहीं तो हम ये वाला काम कर रहे हैं कि 0/0 हम 1 बता रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर P इज नॉट इक्वल टू Q दिया हुआ है। क्लियर, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये, तो P-Q से P-Q ये कट गया, तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/PQ, D निकल गया। अब A निकालना है, तो D की वैल्यू किस में भी रख दो, ठीक है मैं इसमें रख रहा हूँ D की वैल्यू, पुट D इज इक्वल टू 1/PQ in 1, 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपका A निकल आएगा। ठीक, तो मैंने 1 में रखा तो क्या आ जाएगा, A+P-1 × D, D की वैल्यू है 1/PQ इज इक्वल टू 1/Q। ठीक, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी A = 1/Q - इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा P-1 × 1/PQ, और ये हो जाएगा 1/Q - P का मल्टीप्लाई करेंगे 1/PQ से, तो P से P कट जाएगा, आएगा -1/Q। ठीक, और उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -1/PQ, और माइनस यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा +1/PQ, तो ये कैंसिल हुआ और A भी कितना आया हमारे पास 1/PQ। क्लियर, तो A भी आ गया, D भी आ गया, अब सम ऑफ PQ निकालना है। ठीक है, सम ऑफ PQ टर्म, तो SPQ क्या होगा, SPQ होगा हमारे पास PQ/2 × 2A+N-1 × D। ठीक, और N की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर PQ लिखेंगे। ठीक है, N की जगह क्या है, PQ है, और AOD क्या है, 1/PQ रख दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा PQ/2 × 2, A की वैल्यू 1/PQ + PQ-1 × D, D की वैल्यू 1/PQ, कर लीजिए सॉल्व इसको, तो ये हो जाएगा PQ/2 × ये हो जाएगा 2/PQ +
पी क्यू का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन पी क्यू, ये हो गया। अब 2 अपॉन पी क्यू में से 1 अपॉन पी क्यू गया तो कितना बचेगा, 1 अपॉन पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू बाय 2 इंटू 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1, ये हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो वो आएगा पी क्यू और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू, ठीक, और बाहर है पी क्यू बाय 2, पी क्यू से पी क्यू हुआ कैंसल, कितना आया हमारे पास, हमारे पास आ गया वही पी क्यू प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, क्लियर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको अच्छे से, इसका फिक्स मेथड है, ठीक है, इसका फिक्स मेथड है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको इसी मेथड से इसको करना है, ठीक है। चलिए और देखिए इसकी एक ब्यूटी और बताता हूँ इस क्वेश्चन की मैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हमको AP इज इक्वल टू 1 बाई क्यू एंड AQ इज इक्वल टू 1 बाई पी देन SPQ इज इक्वल टू 1 बाई टू इंटू PQ प्लस 1, तो ये एक तरह का फॉर्मूला है। देखिए अगर यहीं पर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, आपको दे दे सपोज कि A2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 है किसी AP में और A4 इज इक्वल टू 1 बाई 2 है, तो सम ऑफ A8 निकालिए यानी कि PQ निकालिए, सम ऑफ PQ यानी कि P इंटू क्यू, पी 2 ले लो क्यू 4 ले लो तो पी क्यू कितना हो गया 8, तो 8 कितना होगा हमारे पास, सॉरी एसेट, एसेट कितना होगा हमारे पास, ये होगा 1 बाई 2 इंटू पी क्यू यानी कि 8 प्लस 1 कितना आ गया 9 बाई 2, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव अप्रोच है। अगर आपको ये रिजल्ट पता है और अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई, आप यहाँ पर अगर ये सब करने के बाद इसको निकालोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में तो हमको बहुत ही कम टाइम में करना होता है तो वहाँ पर डायरेक्ट ये रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ये याद है तो, क्लियर। तो इसका क्या आएगा आंसर, एसेट होगा 9/2। इस तरह से आप प्योर क्यू की कोई भी वैल्यू लेकर कोई भी इनफाइनाइट क्वेश्चन बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है, बस मेक श्योर कि पी क्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ए टू को 1/2 बोल रहे हो और फिर वही ए टू को 1/2 बोल रहे हो, इसका कोई मतलब ही नहीं निकला, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये पी इज नॉट इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, क्लियर। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। तो ये हो गए 5 क्वेश्चन, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अब अगले क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।